नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेली के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिंपली हम लोग बात करने वाले हैं टेली एआरपी 9 के बारे में। टेली एआरपी 9 की कुछ शॉर्टकट्स और कुछ बेसिक कीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है अगर आप टेली एआरपी 9 में काम करना चाहते हो एज अकाउंटेंट, या फिर टैक्स के मामले में अगर आप थोड़ा बहुत काम सीखना चाहते हो या फिर काम करना चाहते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभ भरचरी, आप देख रहे हो टीवी। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वाले फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्टिवेशन स्क्रीन जो आता है उसे स्किप करने की। तो यहाँ पे ये फीचर बेसिकली है एजुकेशनल वर्जन्स के लिए। अगर आप एक एजुकेशनल वर्जन यूज़ करते हो और यहाँ पे अगर आपको टैली ओपन करने के बाद ही ये स्क्रीन फेस करना पड़ जाए, तो इसे हम लोग स्किप कैसे करेंगे एक शॉर्टकट की के थ्रू से। तो यहाँ पे शॉर्टकट की मैं बताता हूँ, जिससे सिंपली आप एजुकेशनल वर्जन में इंटर कर जाओगे बिना किसी अप डाउन या फिर डाउन की को दबाए हुए। तो सिंपली यहाँ पे आपको दबाना पड़ता है ऑल्टर डब्लू, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एजुकेशनल मोड। यहाँ पे आपको सिंपली लेके जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग दबाते हैं ऑल्ट डब्लू, सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली में इंटर कर जाओगे या फिर कंपनी इन्फो में, और आपको बेसिकली वहाँ पे वो एक्टिवेशन का स्क्रीन मैनुअली स्किप नहीं करना पड़ेगा। और अगर बात करें यहाँ से निकलने की दोस्तों या फिर टैली बंद करने की, तो उसके लिए है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू अगर हम लोग यहाँ पे दबाएंगे तो फिर बिना किसी हिचकिचाहट के टैली से हम बाहर निकल जाएंगे सक्सेसफुली। अब दोस्तों इसके अगला वाला फीचर जो है बेसिकली वो थोड़ा सा होने वाला है लेंदी और बिल्कुल आपके लिए आपके काम का होगा वो फीचर। तो इस वीडियो को देखते रहिए। अभी हमें उस फीचर का यूज करने के लिए बेसिकली एक कंपनी को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता सकूंगा आपको डिटेल में कि वो फीचर कैसे काम करता है। तो जल्दी से एक कंपनी बना लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने बना लिया है एक कंपनी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि है अकाउंट इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंट इन्वेंटरी वाउचर्स। इनमें से आप ज़रूर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक की हर एक लाइन पे, जैसे कि अकाउंट्स इन्फो पे बेसिकली ए जो है वो हाईलाइट किया हुआ है या फिर डार्क में है। अगर बात करें हम लोग इसके बाद वाले ऑप्शन के बारे में जो कि है इन्वेंटरी इन्फो, तो यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो का जो आई है वो बेसिकली थोड़ा सा हाईलाइटेड हमें देखने को मिल जाता है। या फिर अगर बात करें हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स की, तो फिर उसका वी जो है वो थोड़ा हाईलाइटेड हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डीप कलर का है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इन सब का क्या काम है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान सी वे में कह दूँ कि यहाँ पे जो जो कीज हाईलाइटेड है वो बेसिकली उन कीज को अगर आप आपके कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पे इंटर हो जाओगे दोस्तों। आपको बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से नीचे जाके ऐसे स्क्रॉल डाउन करके या फिर अप डाउन कीज की मदद से जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं अभी ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाऊंगा, तो फिर यहाँ पे वी जो है वो हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं वी दबाता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो सीधा मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में चला जाऊंगा। कैसे दिखाता हूँ, तो तीन की गिनती पर हम वी दबाएंगे। 1 2 3 दबाया मैंने वी, तो ये आ गया मैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में दोस्तों। यहाँ से निकलने का भी बेसिकली है एक शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू हम दबाते हैं तो हम यहाँ से निकल आए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोई एक और बार इसे ट्राई करते हैं दोस्तों। अब चलिए एक और बार इसे ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी जाएंगे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले यहाँ पे है एकदम नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिस्प्ले में डी हाईलाइटेड है, तो मैं यहाँ पे डी दबाऊंगा। चलो डी दबाया मैंने, डी दबाया हमने, तो हम चले गए डिस्प्ले वाले मेनू में दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्विट के बारे में, यहाँ से हम लोग निकले कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्विट वाला एक ऑप्शन है, क्विट में क्यू हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे अगर आप क्यू दबाते हो तो फिर आप निकल आओगे उस ऑप्शन से बेसिकली। तो यही था दोस्तों दूसरा फीचर। तो दोस्तों अगला जो फीचर है वो बेसिकली है डिलीट। मतलब बेसिकली अगर आप चाहो तो एक लेजर जो आपने बनाया है पहले, अगर वो गलत हुआ है आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो फिर कैसे करेंगे हम वो टैली एआरपी 9 में। तो यहाँ पे एक लेजर को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में। तो गए हम लोग अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा लेजर्स में, तो एल दबाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा ऑल्टर में, सिंगल लेजर वाले ऑल्टर में। तो सिंगल लेजर के अंडर जो ऑल्टर पड़ता है दोस्तों, उस ऑल्टर में हम लोग जाएंगे, दबाएंगे सिंपली हम लोग ए,
और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सा लेजर ले रहा हूँ। यहाँ पे सब लेजर्स को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते जो कि सिस्टम ने बनाया है खुद से, उन लेजर्स को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी लेजर्स हमने खुद बनाया है उसे ही सिर्फ हम लोग डिलीट कर सकते हैं अगर चाहे तो। सिंपली मैं यहाँ पे राजू नाम का एक लेजर है उसे चूज करता हूँ और इसे हम लोग अभी डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए हमें बेसिकली दबाना पड़ेगा एक छोटा सा की जिसका नाम है ऑल्ट डी। तो ऑल्ट डी दबाने पर ऐसा एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा डिलीट, एक होगा ऑप्शन येस और एक होगा नो। तो फिर हम लोग येस दबाएंगे। अब येस दबाने के लिए बेसिकली आप इंटर भी दबा सकते हो या फिर वाई भी दबा सकते हो। वाई दबाओगे तो येस और एन दबाओगे तो नो। तो हम लोग यहाँ पे पहले एन एन वाला फीचर आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दबाया एन तो फिर डिलीट नहीं हुआ। अभी हमने दबाया ऑल्ट डी यहाँ पे, अभी येस करूँगा तो मैं, तो अगर वाई दबाया तो ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो चुका है ये दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी कैसे डिलीट करे उस बारे में। तो सपोज आपने कोई गलती से कंपनी बना दी और उस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो चुका है तो उसे आप कैसे डिलीट करोगे। उसे डिलीट करने के लिए पहले आपको कंपनी के फीचर्स में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में सभी कीज यहाँ पे मेंशनड है। यहाँ पे जब किसी भी की के नीचे जब एक लाइन होगा उसका मतलब है ऑल्टर, और किसी भी की के नीचे अगर दो लाइन है तो फिर उसका मतलब है कंट्रोल। यहाँ पे एक लाइन और F2 है मतलब ऑल्ट F2, और अगर यहाँ पे दो लाइन उसके ऊपर F2 होता तो उसका मतलब होता कंट्रोल F2। तो यहाँ पे पहले हमें कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा जिसके लिए है ऑल्ट F3। तो दबाते हैं हम ऑल्ट F3, चले गए हम लोग कंपनी इन्फो में। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऑल्टर में जो कि है ये, आप देख सकते हो ऑल्टर जाएंगे तो ए दबाया हमने और ये है हमारा कंपनी, इसे चूज़ किया हमने। तो ये है हमारा कंपनी का जो डिटेल है वो। तो यहाँ पे हम इसे डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे, वही सेम की है जो लेजर हम डिलीट करने के टाइम में यूज़ करते थे, सिंपली ऑल्ट डी उसके बाद येस। तो यहाँ पे एक और बार कंफर्मेशन आएगा क्योंकि कंपनी की बात है, कंपनी का डिलीट हो गया तो सारा डेटा हमारा चला जा सकता है, तो इसलिए एक और बार पूछा जाता है। तो यहाँ भी हम लोग येस दबाएंगे और कंपनी हो जाएगा डिलीट। तो यही था वो फीचर दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है एक्सेप्ट और बैक। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कुछ फोन अभी सेल करने वाले हैं जिसमें से है हमारे पास अभी आईफोन एक्स और गैलेक्सी S9 प्लस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आईफोन एक्स का जो सेल है वो करते हैं। भाई साहब एक खरीदेंगे अभी यहाँ पे, तो रेट हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो आईफोन एक्स अभी हम लोग बेचेंगे 1,02,000 में, बेच दिया चलो। और S9 प्लस हमारे पास 21 पीस है तो एक पीस ही हम लोग बेचते हैं अभी, तो इसे हम लोग बेचेंगे 90,000 में। तो ठीक है यहाँ पे GST हम लोग अभी चार्ज करेंगे, CGST चलो सही है और SGST चलो हमने चार्ज कर लिया, CGST और SGST और सेल भी कर लिया, वाउचर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लेजर बना लिया है, अभी हमें इसे सेव करना है। अभी इंटर दबा दबा के अगर हम लोग सेव करने जाए तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इंटर ना दबा के सिंपल से एक की को दबा के कैसे इसे सेव कर सकते हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पे हमें एक की दबा के इसे सेव करना है, तो वो की है बेसिकली कंट्रोल ए। अगर हमने कंट्रोल ए यहाँ पे दबा दिया तो ये लेजर सेव हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये लेजर सेव हुआ है या भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और ये देखिए आप देख सकते हो सेल्स, यहाँ पे एक लेजर सेव हो चुका है जो कि हमारा लेजर है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। तो यहाँ पे इस लेजर को सपोज मैंने यहाँ पे इस लेजर में इस लेजर को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और उसके बाद सपोज मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने जो अमाउंट है वहाँ पे गलती कर दी S9 प्लस में, जो सेलिंग अमाउंट होना चाहिए था पर रेट, तो उसका रेट होना चाहिए था 89,000, मैंने 90,000 डाल दिया। तो फिर यहाँ पे बैक करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बैक किया कैसे जाए, बैक करने के लिए बेसिकली यहाँ भी एक की है जो कि है शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब मैं दबाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक एक करके बैक कर सकते हैं और यहाँ पे मैं रेट चेंज कर सकता हूँ 89,000 करके। तो यहाँ पे GST भी चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम अभी इसे सेव करते हैं कंट्रोल ए दबा के। तो कंट्रोल ए दबा के हमने सेव कर लिया है पूरी चीज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपली सिनेरियो इस तरह से काम करता है दोस्तों।
तो दोस्तों आखिरी बेसिक फीचर के बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो ये फीचर है बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर्स से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में अभी मैं घुसता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेमेंट मोड पे चला जाता हूँ। तो पेमेंट मोड पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अकाउंट है और यहाँ पे अगर हम लोग इंटर दबाए तो फिर हमें सिर्फ एक ही लेजर यहाँ पे देने का मौका मिलेगा। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको डेबिट क्रेडिट शायद ज़्यादा अच्छा लगता होगा इसके मुकाबले में, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है देखने को। तो अभी अगर हम लोग इसे चेंज करना चाहें डबल एंट्री सिस्टम में तो कैसे करें, तो इसका जो सोल्यूशन है ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे F12 दबाना पड़ेगा। F12 हमने दबा दिया और F12 दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा ऑप्शन जिसमें लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप सिंगल एंट्री मोड को यूज़ करना चाहते हो पेमेंट के लिए, रिसीप्ट के लिए या फिर कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए। तो यहाँ पे डिफॉल्ट येस रहता है, मतलब हाँ, और इसे अगर आप नो करोगे तो फिर डबल एंट्री सिस्टम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एन दबाएंगे और इंटर दबा देंगे और उसके बाद कंट्रोल ए दबा के निकल आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय देखने को मिल जाता है हमें, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड दबा के देखें तो फिर टू भी देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे हमें डबल एंट्री सिस्टम देखने को मिल जाता है अकाउंटिंग वाउचर में। और फिर अगर आप सिंगल एंट्री में जाना चाहो तो फिर सिंपली F12 और उसके बाद यहाँ पे जाके नो को हमें यस करना पड़ेगा। हमें कंट्रोल ए दबा के यहाँ से निकलना होगा, तो फिर हम चले जाएंगे फिर से वही सिंगल एंट्री सिस्टम में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से इस लाइक बटन को दबा दीजिएगा और बेसिकली शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी जान सके टैली IP9 के इन कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी ही वीडियोस आपको देखने की इच्छा है फ्यूचर में भी, तो ये सब्सक्राइब जो बटन है इसे दबा दीजिए और ये बेल आइकन आएगा इसको भी दबा दीजिए। इससे होगा कि मैं जो भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूंगा यूट्यूब में उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो का, तो मतलब मैं बहुत ही जल्दी किसी एक और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।